बड़ा असर होता हुआ पेयजल स्वच्छता मिशन में बड़ी कार्रवाई हुई है। 8 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है, बड़ी खबर ये। और इसी के साथ भारत समाचार की खबर का बड़ा असर, ईओडब्ल्यू और सीबीआई जांच में घिरी है कंपनियां। बीएसपी नेता की कंपनी का मुद्दा उठाया गया था, आफ्ताब की कंपनी विंग्स ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। आफ्ताब के खिलाफ ईओडब्ल्यू जांच चल रही है, आफ्ताब को करोड़ों का भुगतान हो चुका है। और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। वीरेंद्र जी, जो 8 कंपनियां यहां पर ब्लैक लिस्टेड हुई, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी, किस तरह से इन्हें ब्लैक लिस्टेड किया है, किस आधार पर? देखिए, ये भारत समाचार ने बहुत प्रमुखता से इन भ्रष्ट कंपनियों का मुद्दा पावर सेंटर में उठाया था जी। और उठाया ये था कि नमामि गंगे, जिसके अंतर्गत ये राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन आता है, जिसमें करोड़ों करोड़ का टेंडर बसपा के नेता आफताब आलम को दिया जा रहा है, उसके हिसाब से शर्तें बनाई जाती हैं, और ये जल शक्ति मंत्री के अंतर्गत ये विभाग आता है। आज भारत समाचार की खबर को संज्ञान लेकर सरकार ने 8 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। ये वो कंपनियां हैं जिनके खिलाफ आर्थिक अपराध से जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है। तो जो भारत समाचार ने मुद्दा उठाया था वो सच साबित हुआ है कि मुख्यमंत्री ने जिसके खिलाफ ईओडब्ल्यू जांच के आदेश दे रखे थे, वो कैसे ठेके हासिल कर रहा था करोड़ों रुपए के जी। ये अधिकारियों की मिली भगत थी, अनुराग श्रीवास्तव जो प्रमुख सचिव हैं और सुरेंद्र राम जो नमामि गंगे के ईडी हैं, ये दोनों मिलकर अपने चहेते लोगों को ठेकों की बंदर बांट कर रहे थे। ये मामला भारत समाचार ने खुलासा किया है। आज सीबीआई और ईओडब्ल्यू की जांच में जो कंपनियां हैं, जिसमें 8 कंपनियों में खास तौर से विक्स जो आफ्ताब आलम की कंपनी है, जिसके लिए टेंडर की शर्तें बदली जाती थी, इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो ये एक लोकतंत्र की जीत है, ये सच्चाई की जीत है जी। और समाचार पत्र और मीडिया और टेलीविजन द्वारा जो मुद्दे उठाए जाते हैं, सरकार अगर उनका ध्यान आकर्षण उनका संज्ञान लेती है, तो ये निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार से बचाने का और सच्चाई को जानने का और मानने का ये एक बात आती है। और सरकार ने ये कदम उठाकर सराहनीय काम किया है और निश्चित ही ऐसे बेनकाब होंगे और लोग जो भ्रष्टाचार के माध्यम से विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार करके अपनी कंपनियों से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तथ्यों को छुपाकर ठेके हासिल करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मंत्री महेंद्र सिंह का इसके लिए आभार होना चाहिए कि उन्होंने ऐसे बेईमान और ब्लैकलिस्ट लोगों को बाहर कर दिया विभाग से। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आफ्ताब के खिलाफ ईओडब्ल्यू जांच चल रही है और 8 कंपनियां जो है वो ब्लैकलिस्टेड की जा चुकी हैं। यहां पर खामियां पाने की बात की गई है, ये ब्लैकलिस्टेड। महोबा की खबरें